वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी कंबाइंड और हियर आई एम वैष्णवी भदौरिया। सो आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पुट अप किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदा बोला और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। तो दोनों लोगों के टाइप के दिखाएंगे अभी आपको हर एक कमेंट्स देखना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को टर्न ऑन कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे जब भी वीडियोस यूट्यूब पे लाइव हो। ओके, देखते हैं साथ में कैसे कैसे कमेंट्स किए लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल में। तो कमेंट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर ये ऐसे वीडियो और देखने हैं मेरे तो कमेंट करते रहो और मैं क्यों वीडियो बनाती रहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कमेंट रीडिंग। सबसे पहले जो कमेंट आया है वो है तनवीर कुरैसी का, आप दुपट्टे बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, थैंक यू। नेक्स्ट नरेश राठी का कमेंट है, नाइस वैष्णवी का माइंड, लव यू डियर, अब मजा आ रहा है आपके वीडियो देखने में, थैंक यू। मोहम्मद राजा का कमेंट है, रियली नाइस वीडियो मैम, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू। धीरज वर्मा कमेंट है, वेरी नाइस, मोर वीडियो अपडेट, रिटर्न वेरी गुड, आग लगा दो यार, थैंक यू धीरज। नेक्स्ट कमेंट है बंटी राज का, नाइस वीडियो, ये अच्छी लगी, रिएक्शन वीडियो से अलग और मस्त है, इम्प्रूव हो रहा है। मैंने बोला था ना कि मेरे चैनल पे इम्प्रूवमेंट बहुत और यूनिक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और आप लोग शायद रियलाइज भी कर रहे हो गए ना, मेरे चैनल पे बहुत अजीब अजीब वीडियोज आ रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है मोहन लाल चौधरी का, सुपर वीडियो है, मुझको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो एंड अभी थिएटर हॉल में 2.0 चल रही है और यूट्यूब पर आपका वीडियो बहुत ही धमाल मचा रहा है, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। एंड मोहन कमेंट करते रहो यार, ऐसे वीडियोस और देखने तो और कमेंट करो, सारे कमेंट पढ़े जाएंगे, हेटर्स एज वेल विशर्स। मैं कोई वो नहीं करती हूँ कि नहीं ये हेटर्स का कमेंट नहीं पढ़ सकते, सबको कमेंट पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट कमेंट गोविंद मिश्रा का कमेंट है, आपके लिए रिएक्शन वीडियो ही बेस्ट है। मेरे लिए क्या बेस्ट है वो आप लोग ही बताओगे, बताओ इनको, गोविंद को कोई बताएगा कि रिएक्शन वीडियो बेस्ट है मेरे लिए या और वीडियोस देखने हैं मेरे, कमेंट करो और इनको भी बता देना, इनके भी रिप्लाई दे देना टाइम हो तो। दीपेन नागर का कमेंट है, मस्त एक्टिंग करती हो और फ्री माइंड से बोलती हो, वेरी नाइस, थैंक यू दीपेंद्र। विजय योगी का कमेंट है, इतना ज्यादा बकवास, आई कांट सपोज इट, आई थिंक यू आर मेड ओनली फॉर रिएक्शन, ये भी गोविंद टाइप के ही है। सो इनको भी बता देना, आप लोग की ड्यूटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मोहन बिलाल अंसारी का, ओके वाओ ऑसम, अब लगता है वैष्णवी जी का टैलेंट, ऐसे ही वीडियो बनाती रहो और हम सबको हंसाती रहो, बेस्ट वीडियो, मजा आ गया सच में यार, ऐसे वीडियो बनाती रहूंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहो, मुझे बताते रहो और ऐसे जो कमेंट्स आते हैं कि नहीं तुम सिर्फ रिएक्शन वीडियो बना सकती है, तुम सिर्फ ऐसे वीडियोस बना सकती हो, यू कांट मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो, सो इन लोगों को बताना चाहिए आप लोगों को कमेंट करके, ठीक है इतना कर दो यार, ठीक है। सजान वर्मा कमेंट, डोंट ओवर एक्ट, जस्ट मेक रिएक्शन वीडियो, बाकी तुमसे नहीं होगा, ठीक है ओके, आई एग्री यार, आई एम एक्ट ओवर एक्ट, बट क्या करे यार, ओवर एक्टिंग की दुकान हो तो कर सकती हूँ यार, लड़कियां ओवर एक्टिंग की दुकान होती हैं। नेक्स्ट कमेंट अरविंद पाल का कमेंट है, आपकी वीडियो एकदम खतरनाक है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, आई ऑल्सो थिंक दैट यू आर राइट। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष बेनीवाल का, इतने कॉपीकैट इंसान है, ओह माय गॉड, नेक्स्ट वीडियो में भी इन्होंने कमेंट किया था, मैंने शायद हाईलाइट भी किया था, मुझे इसलिए याद है, मुझे सबको याद रहता है कौन कौन कमेंट करते रहते हैं। चलिए कमेंट पढ़ते हैं, सो इन्होंने कमेंट किया, ऑसम डैम गुड, हे ब्यूटीफुल गर्ल, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन टॉपिक व्हेन बॉयज पेरेंट गेट नो अबाउट रिलेशनशिप इन एन इमोशनल वे प्लीज। इनका पहली बार तो मैंने कमेंट भी पढ़ा था, कमेंट के बाद मैंने रिप्लाई भी किया था, और अगर ये इस टाइम वीडियो वॉच कर रहे हो तो फिर से कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि आपको ये देखना चाहते हो कि कैसे रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को पता चलता है बॉयज फैमिली में, सो व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स, तो अगर आपको देखना है ऐसा, और जो लोग मेरे और भी व्यूअर्स है वो लोग कमेंट करके बताओ यार, अगर अच्छा लग रहा है टॉपिक तो वीडियो पढ़ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट, डिसिप्लिन टीचर वॉज हिलेरियस, हाँ मेरे स्कूल टाइम में ऐसा टीचर था और मॉर्निंग में ही ऐसे टीचर मिलते हैं ज्यादातर,
क्योंकि उनको क्या होता है कि लाइन से निकालना होता है, मतलब स्कूल से बाहर करना होता है, तो जब मैं कभी लेट हो जाऊं या मैं कभी पूरी ना करूं तो बहुत ज्यादा मीन्स बाहर निकलो और पोस्ट पोनी करके आओ, तब ग्राउंड में आओ, क्लास नहीं मिलेगी तो मैं क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा यार, मतलब हर हद कर देते थे ऐसे टीचर। सो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टीचर भी बनाओ, क्योंकि मेरी लाइफ गुजर चुकी है ऐसे महान किरदारों या महान टीचरों के साथ। तो ये कैसा लगा? सो अच्छा लगा तो यार बता देना है, कमेंट कर दो यार, कुछ नहीं मिलता, फ्री है, नो कोई पैसे नहीं पड़ते आपके मेरे किसी के नहीं। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। पहले स्क्रिप्ट लिख लो बाद में एक्टिंग करो, कॉमेडी किंग विवेक सिंह का कमेंट था। मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट से ज्यादा मैं रियल लाइफ चीज में बिलीव करती हूँ, तो मैंने वही चीज एक्ट किया है जो मेरे स्कूल लाइफ में हुआ था, तो स्क्रिप्ट लिखा था। चलिए नेक्स्ट कमेंट है एंटरटेनमेंट हब वीके का। नाइस वीडियो बट हम टीचर की कंप्लेंट कर देते थे, फिर दूसरी टीचर आती थी क्लास लेने। अच्छा मैंने भी यही चीज की है कि जब डेमो क्लास लेने आती थी, जो मैंने इंक्लूड किया है वीडियो में, तो वो लोग जब आते थे तो उनका पढ़ाने का तरीका अलग था, और डेमो के टाइम अलग बिहेव था, बाद में कुछ और बिहेव था, और कॉपीज मतलब लिख लिख के आती थी ठीक है पढ़ाने के लिए, ऐसा कौन करता है। मैंने ऐसे ही प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर दी कि मैम जब पढ़ाती हैं तो ये करती हैं, बताओ अब टीचर को ही नहीं पता बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। तो ये मैंने भी स्कूल टाइम में खूब किया है, भर भर के किया है। नेक्स्ट कमेंट राजू आर का कमेंट है, ये बात सही है, खुद की वीडियो बनाओ, रिएक्शन मत करो, वैसे रियल लाइफ में भी यही सब चल रहा है, टीचर का ड्रामा, नाइस क्लिप्स, एक्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ एक्चुअली ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहा है, और हर स्कूल में ऐसा देखा जाता होगा, हमें लगता है ऐसा। अब आप लोग बता सकते हो क्योंकि मेरी लाइफ में यही हुआ है, तो मैंने वही रिप्रेजेंट किया है कि इन किन लोगों के साथ कैसे कैसे टीचर, कैसे कैसे ड्रामेटिक टीचर मिले हैं, जिन्होंने भर भर के कूट कूट के ड्रामा क्रिएट किया है स्कूल लाइफ में, मतलब इतने डोमिनेटिंग होते हैं टीचर्स हम लोगों के ऊपर, बता नहीं सकते यार। वीडियो लेंदी हो सकता है, वीडियो बने रहो क्योंकि बहुत अजीब कमेंट्स आने वाले, भी देखना। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है साइक हबीब का, ओके हैशटैग #2 में सबको मारने वाली टीचर भी रखना, लव यू वैष्णवी। देखो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करोगे, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा फीडबैक मिलेगा मेरे वीडियो पे, तो #2 भी ले आऊंगी जल्दी, और इस बार जो टीचर का मैं बनाऊंगी ना वो इतना ताबड़तोड़ बनाने वाली, क्योंकि मैंने सोच लिया कि कितने अजीब और टीचर्स होते हैं, है ना, तो #2 आ जाएगा, पर इसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। नेक्स्ट कमेंट है पॉपिंग अजय का, हमारे यहाँ झारखंड के टीचर सब हड़ताल पे हैं। मोस्टली ऐसे होते हैं, जैसे मैंने एक क्लिप ऐसे डाली थी जिसमें क्या था कि फ्री माइंडेड टीचर, वो लोग मतलब ही नहीं है, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उन्हें पीरियड ही नहीं लेने होते हैं, मतलब उन्हें यही नहीं पता होता कि पीरियड चल रहा है, इतना मीन्स बिजी होते हैं, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, पढ़ाने आते हो स्कूल में, पढ़ाओ क्लास चल रही है, यही नहीं पता है, हड़ताल पे तो रहेंगे ना ऐसे टीचर। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ARA का कमेंट है, अरे कोई रोको इसे, ये पागल हो गई है, अरे तुम्हारे मैम डैड मॉम डैड कहाँ हैं, उनको दिखाओ ये वीडियो, अरे कोई इस बंदी को रखो नहीं तो कोई कुछ कर लेगा। तो देखिए हम पागल हो गए, हमें पता है, क्योंकि हम पागलों की वीडियो बनाए, टीचर्स आर टोटली मैड ठीक है, तो जब वो पागल है तो पागलों का किरदार करने में हमें लगता है कि पागल बनना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तभी कर पाओगे, तो ठीक है अच्छा लगा कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है धर्मेंद्र मिश्रा का, डोंट लॉन्च नेक्स्ट वीडियो बिकॉज यू स्पॉइल द एंटरटेनमेंट। ओके अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत लोग, बहुत ऑडियंस जो देख रही है, वो लोग पता बता देना यार कि ये क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, नेक्स्ट कमेंट है ही नहीं। सो ये थे कुछ कमेंट्स, और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, मतलब जो कल का वीडियो पढ़ा है ना, 200-250 से कमेंट तो ऊपर पहुंच रहे हैं, सो अच्छा लग रहा है कि सारे कमेंट्स कर रहे हो, करते रहो कमेंट्स, क्योंकि मैं Q&A वीडियो हर मंडे को डालने वाली होती हूँ ठीक है, तो कमेंट करो, हैशटैग यूज करो, क्या है यार सब फ्री है, कमेंट करते रहो, वीडियो देखो, लाइक करो, लाइक ठोको, शेयर करो, और हाँ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने हैं मेरे चैनल पे सो आपको देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।